बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ दोस्तों, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI के लिए टेस्ट लिया था, जो कि सर्विस कोटा के लिए था, और ये टेस्ट जो हुआ था 3/10/2021 को हुआ था। इसका एक पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका था, इसके दो पार्ट्स रहते हैं, क्योंकि वो पेपर मेरे पास कंप्लीट नहीं था। सिर्फ एक पार्ट का जो पेपर था उसको मैंने सॉल्व किया था। अब बाकी जो दो पार्ट्स हैं, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री, उसके पेपर मुझे मिले हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ये 3/10/2021 को हुआ था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। अजीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, बिल के आइकान को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। चलते हैं पेपर की जानिब। पेपर है ASI का, सर्विस कोटे के लिए था हमारे पास। इसमें हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो है अ पर्सन हु लव मैनकाइंड। अ पर्सन हु लव मैनकाइंड उसको क्या कहते हैं, उसको फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, चूज द बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सेलेबल। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ, तो यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास, अ स्पीच विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। तो अ स्पीच विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, तो इसमें हमारे पास यानी किसी भी तैयारी के बगैर तकरीर करना, तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेम्पोर। अगले क्वेश्चन की जानिब दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, यू हैव नो बिजनेस टू पेन ऑन वीक एंड पुअर पर्सन। फिल इन द ब्लैंक्स है, यू हैव नो बिजनेस टू, ब्लैंक है पेन ऑन अ वीक एंड पुअर पर्सन। तो अजीज दोस्तों, इसमें कुछ इस तरह है कि हमारे पास इसमें ये वाला ऑप्शन BCD जो है, ये तरतीब से ABC ऑप्शन है, यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं था। इसमें डी जो ऑप्शन था वो नॉन ऑफ दीज था, तो आपने नॉन ऑफ दीज करना था आंसर, वहां पर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन यहां पर मैंने करेक्ट वर्ड यहां पर हमने लिखा है, यहां पर जो वर्ड आएगा वो आएगा इन्फ्लेक्ट, तो यहां पर ए ऑप्शन लगेगा, इन्फ्लेक्ट। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें हमारे पास आंसर होगा डी, यानी नॉन ऑफ दीस। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, हाउ मेनी यंग मैन वर, ब्लैंक है एट स्ट्रीट कॉर्नर फॉर द कॉफी बार टू ओपन। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, हैंगिंग अबाउट। हैंगिंग अबाउट यानी मैनी यंग मैन वर हैंगिंग अबाउट एट स्ट्रीट कॉर्नर फॉर द कॉफी बार टू ओपन। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 मिसिंग है हमारे पास, वो रीडेबल नहीं था, तो क्वेश्चन नंबर 30 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, वाटर ब्लैंक है एट 32 डिग्री फॉरन हाइट एंड बॉयल्स एट 212 डिग्री फॉरन हाइट। तो इसको हम फ्रीजेस कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इफ एनी, हाउ डेयर यू टू स्पीक अगेंस्ट मी, यू टू स्पीक अगेंस्ट मी, यानी इसमें हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट जो है 31 नंबर में वो है ऑप्शन नंबर सी, हाउ डेयर वाज यू टू स्पीक अगेंस्ट मी, ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास, चूज द करेक्ट सेंटेंस,
इसमें भी हमने चूज द करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, यानी शी इज मोर प्रीटियर देन हर सिस्टर, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक है, शी इज प्रीटियर देन हर सिस्टर, ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, द चार्मिंग गर्ल वॉज द ब्लैंक है ऑफ ऑल आईज, तो द चार्मिंग गर्ल वॉज द ब्लैंक ऑफ ऑल आईज, तो इसमें अगर हम देख लें तो ऑप्शन नंबर सी साइन ऑफ श्योर, ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, चूज वन करेक्ट सेंटेंस, आई थिंक इट फिट टू गो एंड सेटल मैटर विद हिम, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक है, आई थिंक टू सेटल द इशू ऑफ हिम, ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल में ठीक है, आप चेक कर लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिव वर्ड, यानी इंसर्ट का हमने अपोजिट मीनिंग वाला लफ्ज देखना है, तो इंसर्ट जो है हमारे पास हटाना को कहते हैं, तो यहां पर मूविंग आएगा, ऑप्शन बी इसमें क्या है ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मूविंग। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द एंटोनिम ऑफ जील, तो एंटोनिम ऑफ जील हमारे पास ऑप्शन नंबर सी एपैथी, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड फेसिमाइल, तो इसमें हमारे पास अगर हम देख लें ऑप्शन नंबर सी ओरिजिनल, फेसिमाइल का अपोजिट वर्ड है ओरिजिनल। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, चूज द एंटोनिम ऑफ वेवी, तो वेवी का मतलब है हमारे पास तर्क करना, और यहां पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आएगा डिमांड, डिमांड का मतलब होगा तलब करना, तो ये इसका एंटोनिम है, ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फिकल, तो फिकल का हमारे पास जो अपोजिट मीनिंग वाला लफ्ज है वो है ऑप्शन नंबर सी स्टेड फास्ट, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी स्टेट फास्ट। फिकल का मतलब है चेंज फ्रीक्वेंटली, फिकल का मतलब हमारे पास क्या है चेंज फ्रीक्वेंटली, तो इसका आंसर आएगा स्टेट फास्ट। अच्छा अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, चूज द एंटोनिम ऑफ विनेरेट, तो विनेरेट का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अब्यूज, ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। वेनरेट का मतलब है हमारे पास ताजीम करना, तो इसका अपोजिट एंटोनिम जो होगा वो अब्यूज होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ गैलेंट, गैलेंट का जो है हमारे पास ऑप्शन, गैलेंट का मतलब है बहादुर, तो इसमें हमारे पास नहीं है एंटोनिम इसमें नहीं है, तो नॉन ऑफ दीस आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एनोमलियस, एनोमलियस, तो इसका हमारे पास जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए यूजुअल, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 चूज द सिनोनिम ऑफ डिविलिश, डिविलिश शैतान को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सैटेनिक, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास 44 नंबर क्वेश्चन क्लियर नहीं था इसलिए उसको नहीं लिखा गया, 45 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास वल्गर मीन, वल्गर का मतलब हमारे पास क्या है, वल्गर बेहुदा को कहते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो होगा वो क्रॉड, क्रॉड, ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड सबजुगेट, सबजुगेट
का हमारे पास सिमिलर मीनिंग वाला लफ्ज हमने देखना है। तो ये सब्जुगेट का मतलब है महकूम बनाना, तो यहां पर कंक्योर इसका मतलब होगा सिमिलर मीनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, टर्न अप इज। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन देख लें रेड, सॉलिड, ट्रूथफुल, तो ये इसके ठीक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि टर्न अप हमारे पास आइडियम है, तो यहां पर इसका मतलब भी सही तरीके से नहीं लिखा गया है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो ठीक होगा वो होगा नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा यहां पर। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड जैनी। तो जैनी का हमारे पास जो करेक्ट यहां पर मतलब वाला लफ्ज है वो है क्लाउन, ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, व्रिक मीन्स, यानी व्रिक का मतलब हमारे पास क्या है, व्रिक का मतलब हमारे पास है मलबा, इसको हम क्या कहेंगे, मलबा कहेंगे यहां पर इंग्लिश में, इसका मतलब जो होगा वो होगा रोएन, ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ अनसिविलाइज्ड इज। तो सिनोनिम ऑफ अनसिविलाइज्ड हमारे पास यहां पर इसमें इसका मतलब नहीं है, सिनोनिम इसका नहीं है, अनसिविलाइज्ड का सिनोनिम इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, हु इज कंसिडर वन ऑफ द ग्रेट इन्विजिटर्स इन द वर्ल्ड। तो बिल गेट्स, इलन मस्क, वारन बफर है, बफर टी नहीं है, बफर नॉन ऑफ दीज, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है, वारन बफर। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम इन पंजाब असेंबली आर। तो नॉन मुस्लिम के लिए पंजाब असेंबली में हमारे पास 8 सीटें रिजर्व हैं, ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 53 नंबर क्वेश्चन है, इन फरवरी 2020 फार्मर पाकिस्तानी बैट्समैन नासिर जमशेद वाज सेंटेंस टू हाउ मेनी मंथ्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, हेमंथ्स इन प्रिजन इन द यूके फॉर हिज रोल इन अ फिक्सिंग स्कैंडल। तो उसको 17 महीनों के लिए जेल हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लैंक इज द करंट चेयरमैन पीसीबी। तो अब हमारे पास पीसीबी का जो चेयरमैन है वो है रमीज राजा, तो इसमें तो रमीज राजा का नेम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है, नॉन ऑफ दीस। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास 55 नंबर क्वेश्चन है, विच नेशन हैज अनाउंस इट्स इंटेंशन ऑफ विथड्रॉइंग itself from the open skies treaty। तो इसमें भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है, वो मुल्क जो है वो है यूएसए अमेरिका, यहां पर यूनाइटेड किंगडम, रशिया, जापान लिखा गया है, तो 55 में भी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि वो मुल्क जो है उसका नाम है यूएसए अमेरिका। अगला क्वेश्चन जो है 56 नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कंप्यूटर से रिलेटेड है, इन एमएस पावर पॉइंट रिकॉर्ड स्लाइड शो कैन रिकॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द व्यू दैट डिस्प्लेज द स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन एज मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड इज कॉल्ड। तो इसको हम कहेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, इन एमएस एक्सेल वी कैन ऐड चार्ट फ्रॉम ब्लैंक टैब, तो इंसर्ट टैब, ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, इंसर्ट टैब। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल अ फार्मूला दैट लुक्स फॉर अ वैल्यू इन लेफ्ट most column of a table and then returns a value in the same row from specific column, तो इसको हम कहेंगे vertical lookup, option number B इसमें ठीक है। अगला question हमारे पास और आखिरी question है इस part का, यह भी computer से related है, in MS Excel ready made templates are available under blank tab in new option, तो option number A file,
आएगा इसमें। अच्छा दोस्तों, ये था हमारे पास एएसआई का पेपर जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 3/10/2021 को लिया था। यह पेपर इसका एक पार्ट मैं उसी दिन अपलोड कर चुका था, लेकिन बाकी पेपर मेरे पास नहीं था, इसलिए इसको आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, बिल के आइकन को ऑल पर क्लिक करें, जाते जाते वीडियो को एक लाइक भी दे दें और शेयर भी लाजमी करें। शुक्रिया।